स्ट्रैटेजिक ऑर्डर में पब्लिक मीटिंग वेन्यू की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि CISF विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात है, जिस हेतु CISF में एक विशेष इकाई की स्थापना की गई है। कार की गति धीमी हो चुकी है और आप देख सकते हैं PSO फेंडरिंग करते हुए मेन कार को कवर कर रहे हैं। फेंडर वॉक PSO के द्वारा फेंडर वॉक किया जा रहा है, एक प्रकार से डेटरेंट इफेक्ट पैदा करता है कि VIP के वाहन को प्रभावी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है, कोई भी किसी प्रकार का अवांछित हरकत न करे। VIP का काफिला वेन्यू तक पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं सुरक्षित लौह कवच में VIP का काफिला वेन्यू पर पहुंच चुका है। वेन्यू पर पहुंचने के उपरांत PSO के इशारे पर मुख्य सुरक्षा प्रभारी मेन कार से उतरते हैं। यह अलाइटिंग पॉइंट है। सुरक्षा का इतिहास इस बात का गवाह है कि अलाइटिंग पॉइंट पर कई असासिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। अलाइटिंग पॉइंट पर हाई राइज बिल्डिंग से सफल स्नाइपर अटैक किया जा सकता है, इस लिहाज से अलाइटिंग पॉइंट पर सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है। मुख्य सुरक्षा प्रभारी स्वयं परिस्थितियों का जायजा लेकर VIP को अलाइटिंग पॉइंट पर उतारते हैं। गाड़ियों की रीमार्शलिंग की जाएगी। पूर्णतः चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और ऑलराउंड डिफेंस का बेहतरीन प्रदर्शन आपके समक्ष। आप देख सकते हैं PSO के द्वारा VIP को 360 डिग्री का मानव कवच प्रदान किया गया है। इसी सुरक्षा घेरे में PSO VIP को मुख्य मंच पर लेकर जाते हैं और VIP के द्वारा उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया जा रहा है। तभी अचानक हमला, भीड़ से हमला होने पर सतर्क एवं चौकन्ना PSO खतरे को चैलेंज करता खुद को खतरे तथा VIP के बीच में लाता है, इसे हम इंटरपोज कहते हैं। साथ ही VIP को सुरक्षा कवर देते हुए इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है और अभी आप देख रहे हैं कि अंतिम PSO ने भी कार गेट को हैरतअंगेज तरीके से टैक्टिक्स के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है और VIP कार गेट बड़ा धमाका सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए IED द्वारा कार गेट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी आप कंटिजेंसी रूट पर पीछे की तरफ बढ़ती हुई अभी आप देख रहे हैं और 180 डिग्री का हैरतअंगेज टर्न डिफेंसिव चालकों के द्वारा इस हमले को नाकाम किया गया। सही समय सही निर्णय पूर्ण मंत्र की अनुपालना और आप देख सकते हैं VIP कार के कंटिजेंसी रूप एक बार फिर से कंटिजेंसी सेफ हाउस की तरफ बढ़ता हुआ। नाकाम हताश हमलावर VIP व्हीकल का दो गाड़ियों से पीछा कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी की गति को धीमा किया गया है, वास्तविकता में यह गति और भी अधिक होती है। का पीछा कर रही गाड़ियों को देखकर PSO जवाब की कार्रवाई कर रहे हैं तथा मुख्य सुरक्षा प्रभारी द्वारा सूचना रूट पर तैनात CISF क्वाड टीम को दी जा चुकी है। प्रभावी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, उद्देश्य है VIP को सुरक्षित रखना और अभी आप देख रहे हैं VIP सुरक्षा का मूल मंत्र और आप देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक किया जा चुका है और आपके सामने हैरतअंगेज तथा दुश्मन को चकित कर देने वाला जबरदस्त आघात। पहले की कार में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाते QRT टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काबू में करने का सफल प्रयास किया। VIP सुरक्षा का मूल सिद्धांत है VIP को खतरे से दूर ले जाना या खतरे को VIP से अलग करना। खतरे एवं VIP का मिलना सुरक्षा तंत्र की असफलता माना जाता है। इससे पहले की कार में मौजूद संदिग्ध समझ पाते QRT टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काबू में कर लिया तथा पूछताछ के लिए लेकर चले गए। पूछताछ से पता चला कि हमलावरों के अन्य साथियों द्वारा किसी बस को हाईजैक करने तथा कार को ब्लास्ट करने की योजना बनाई गई है। आप सभी का ध्यान मैदान की बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से गुजरती हुई एक बस पब्लिक मीटिंग में आए कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है। इस बस के यात्री आने वाले खतरे से बेखबर है। आतंकवादी द्वारा इसी बस को हाईजैक करने की योजना बनाई गई है और अभी आप देख रहे हैं मैदान की दाहिनी ओर दो आतंकवादियों ने फायरिंग करके बस को रोक लिया है और बस में दाखिल हो रहे हैं। इस बस को हाईजैक करने की योजना आतंकवादियों ने बनाई है। आधुनिक हथियारों विस्फोटों से लैस इजी टारगेट के इंतजार में घात लगाकर बैठे आतंकवादी अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विध्वंसकारी मानसिकता वाले तत्वों द्वारा बड़ी संख्या तथा बड़े स्केल पर कैजुअल्टी होने की योजना उनके रणनीति का हिस्सा होती है ताकि सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। यह बस इजी टारगेट हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमलावरों ने बस को हाईजैक कर लिया, हमलावरों ने यात्रियों को बंधक बना लिया है तथा उन्होंने यात्रियों को प्रताड़ित करना चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। अभी किसी तरह की फायरिंग नहीं हो रही है, अतः इस सिचुएशन अब फायरिंग की शुरुआत हो गई है। यह होस्टेज का इस सिचुएशन से आगे की स्थिति है। इस एक्टिव शूटिंग की स्थिति में वहां मौजूद QRT टीम कॉम्प्रोमाइज अथॉरिटी, जी हां कॉम्प्रोमाइज अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए बस इंटरवेंशन की कार्रवाई करती है। मुख्यतः इस प्रकार की कार्रवाई एक तेज फिजिकल असॉल्ट होती है, जिससे दुश्मन से सामना होने पर बेझिझक डेडली फोर्स का प्रयोग कर उसे नष्ट किया जा सके। आपके समक्ष चलती गाड़ी में चलती बस में प्रवेश करने का शानदार एवं हैरतअंगेज प्रदर्शन। इस अत्यंत जोखिम भरे कार्य को अंजाम देने के लिए आवश्यकता होती है शक्ति, निष्ठा, सामर्थ्य और समर्पण की और इन सभी कार्यों में दक्ष CISF QRT के सदस्य बखूबी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं।
क्लियर विजन तथा कंट्रोल लोकेशन का होना बहुत आवश्यकता होता है ताकि हॉस्टेज तथा हॉस्टाइल में फर्क को पहचाना जा सके। और अब आपके समुख पुनः बस से दूसरे छोर पर छत पर क्यूआरटी टीम द्वारा चलती हुई गाड़ी में दाखिल होने का प्रदर्शन शानदार हैरतअंगेज प्रदर्शन। किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए सीआईएसएफ पार्कू ट्रेन ट्रेनिस क्यूआरटी तथा महिला दस्ते को बल इंटरवेंशन के लिए तैनात किया गया तथा स्नाइपर्स भी अपनी अपनी लोकेशन पर पूरी तरह से तैनात है। दस्ते के द्वारा पार्कू ट्रेनिंग टेक्निक से चलती बस में घुसकर हमलावरों को काउंटर किया जाएगा तथा बस को एक अन्य व्हीकल के द्वारा अभी आपकी समक्ष ब्लॉक किया जा चुका है। आप देख रहे हैं महिला स्क्वाड सदस्यों द्वारा टैक्टफुली एडवांस किया जा रहा है, बस इंटरवेंशन करके इवैक्यूएशन एवं सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इम्प्रोवाइज क्लाइंबिंग मेथड द्वारा बस की छत पर पहुंचकर छत को क्लियर किया जा रहा है। दक्ष कार्य कुशल एवं प्रभावी आघात करने में माहिर, जी हां, दक्ष कार्य कुशल एवं प्रभावी आघात में माहिर सीआईएसएफ का महिला दस्ता 8500 की संख्या के साथ महिला बल सदस्य हर चुनौती से दो दो हाथ करने को हमेशा तत्पर हमेशा तैयार। परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन सख्ती के साथ महिला दस्ते ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान एक अन्य फोर्स मल्टीप्लायर का भी महत्वपूर्ण रोल था जो आपके सामने मैदान में मौजूद है, स्नाइपर्स। जी हां, छदमावरण में माहिर और खतरे के आभास के साथ ही अपनी सुनिश्चित लोकेशन में तैनात प्रथम दृष्टि आपको दिखाई नहीं देंगे सीआईएसएफ स्नाइपर्स। आप देख सकते हैं मैदान में सीआईएसएफ स्नाइपर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो बेग लाइक माड़ी, कमेंट माड़ी, शेयर माड़ी, योयो टीवी कन्नड़ वन्नु सब्सक्राइब माड़ी।